देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बुधवार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी की और साथ ही CGI DY चंद्रचूड़ ने कई सवाल भी खड़े किए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते समय ये कहा कि एक नगर निगम में पार्षद मनोनीत करने में केंद्र सरकार को क्यों दिलचस्पी है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर से इस संबंध में लिखित दलील जमा करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार LG को देकर वो लोकतंत्र तरीके से चुनी MCD को अस्थिर कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MCD में एल्डरमैन की मनोनीत करने की शक्ति LG को देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB परदीवाला की संयुक्त बेंच ने सुनवाई की। दिल्ली सरकार ने MCD में LG द्वारा नियुक्त की गए सभी एल्डरमैन की नियुक्ति को रद्द करने की मांग अपनी याचिका में की। आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को गलत बताया। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई दलील में ये कहा गया कि दिल्ली में इससे पहले भी केंद्र और राज्य की दो अलग अलग पार्टी की सरकारें थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं LG की ओर से दलील दी गई कि MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर उठाया गया कदम बिल्कुल सही है और MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। इस मामले में अनुच्छेद 239(a) का हवाला दिया गया। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीते 30 साल से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार ही नियुक्त करती रही। सिंघवी ने आगे कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका एक सलाहकार की होती थी और ऐसा पहली बार हो रहा है जब LG ने एल्डरमैन की नियुक्ति की और ये नियम पूरी तरह से खिलाफ है। एल्डरमैन की नियुक्ति पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित जरूर रखा है, लेकिन हाल ही में केजरीवाल और उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत कहा था। इस फैसले में कहा गया था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई दिल्ली सरकार के पास ही होना जरूरी है।